सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव गोयल द अकूस्टिक बनिया एंड बैक विद अनदर गिटार लेसन। सो यार, आज का जो हमारा गिटार लेसन है, इट इज़ फ्रॉम द मूवी मिशन मजनू। एक बहुत ही अच्छा गाना जुबिन सर की आवाज़ में गाया हुआ, विच इज़ ओ रब्बा जानदा। तो रब्बा जानदा का यार जो गिटार लेसन है ना, एक यूट्यूब के ही मेरी ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड, हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था। सो आज फाइनली आई गॉट टाइम टू मेक दिस होल गिटार लेसन। आई एम सॉरी फॉर द होल डिले आई कॉज्ड। सो यार, गिटार लेसन हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज एक बहुत ही कॉमन प्यारे पैटर्न पर है, वही हमारी पुरानी कॉर्ड्स। अभी नहीं बता रहा वरना तुम लेसन नहीं देखोगे। सो हमारा जो एक गिटार लेसन है ना, हमारा बहुत ही सिंपल कॉर्ड्स पर है, ओपन कॉर्ड्स पर है, और बस उनके बीच में थोड़ा बहुत हमें खेलना है और कुछ नहीं। सुरों में थोड़ा सा ऊँचा है गाना, तो हो सकता है कि मेरे को इसको डाउन करके गाना पड़े, बट सिखाऊंगा तुम्हें ओरिजिनल पे ही। मैं एक लोअर ऑक्टेव पे गाऊंगा, बट होगा वो ओरिजिनल कॉर्ड्स पर ही। सो गाइस, केपो हमारा लगेगा सेम फिट पे, क्योंकि वो तुमने ऑलरेडी देख लिया। कॉर्ड्स मैं आपको बता दूंगा। और बाकी गिटार लेसन शुरू होने से पहले एक छोटी सी चीज़ कि काफ़ी और मेरे को जो कमेंट्स और क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू गिटार इक्विपमेंट्स एंड क्या क्या उन्हें बाय करना चाहिए किस बजट में, तो उन सभी का एक छोटा सा आंसर है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाओगे तो एक अमेजोन स्टोर का लिंक होगा, उसको टैप करोगे तो तुम्हें सारे मेरे इक्विपमेंट्स यहाँ पे जितनी भी सर्च दर्ज हो रखी है वो सारी तुम्हें वहाँ देखने को मिल जाएगी। सो वहाँ से जाके इन सारी चीज़ों को बाय कर सकते हो। और बाकी साथ में मैंने वहाँ पर एक जो है अपनी कुछ सेल्फ डिज़ाइन डायरीज, यानी मेरा अपना प्रोडक्ट, मेरी अपनी मर्चेंडाइज वहाँ पे मैंने डाली हुई है। सो उसको भी प्लीज़ चेक कर लेना, वो काफ़ी अच्छी है। सो आई होप आपको भी पसंद आए, तो उसको भी ट्राई करना, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पर फ्री डिलीवरी के साथ। सो गाइज, अभी आ जाते हैं हमारे गिटार लेसन पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। सो गाइज, कमिंग टू द कॉर्ड पैटर्न, तो सबसे पहले नॉट कॉर्ड पैटर्न बट जनरली कॉर्ड्स जो हमारे गाने में चलेंगी वो चलेगी, देखो केपो लगेगा सेकंड फ्रेट पे, बिकॉज गन हमारा डी मेजर के स्केल में है, और हमारी इसमें लगेंगी बहुत ही चुनिंदा अपनी पसंदीदार कॉर्ड्स, विच आर सी मेजर। ठीक है, तो जब सी मेजर लग जाती है ना, एक बहुत सिंपल सी चीज़ तुम सब जानते हो कि सी मेजर के साथ साथ कुछ उसकी तीन चार बहुत फ्रेंडली कॉर्ड्स हैं जो उसके साथ चलती हैं हमेशा, विच इज़ ए माइनर। ठीक है, सी ए माइनर, थर्ड कॉर्ड हमारी होगी एफ मेजर। ठीक है, सी ए माइनर एफ, फोर्थ कॉर्ड हमारी होगी जी मेजर, और फिफ्थ कॉर्ड हमारी जो कि बहुत कम यूज़ होगी हल्की सी जगह, वो होगी डी माइनर। तो डी माइनर जब सी के साथ लगती है ना, जब सी ए माइनर एफ जी के बीच में डी माइनर आती है, तो डी माइनर ज़्यादातर एक छोटे यूज़ के लिए आती है, एक थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए। बाकी सी ए माइनर एफ जी में ही हमारा मैक्सिमम गाना खत्म होता है, और ये वाला भी हो ही रहा है। सो हमारा जो इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है, विच इट इज़ डाउन अपचक डाउन अपचक डाउन डाउन अपचक डाउन अपचक डाउन। कॉर्ड्स के साथ देख लेते हैं हमारा गिटार लेसन कैसे होने वाला है, और लिरिक्स के साथ इसको गा के आपको बता देता हूँ पैटर्न वाइज हमारे गाना कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दैट पार्ट। सो गाइस, हमारा जो गाना शुरू होता है वो शुरू होता है सी एफ ए माइनर एफ एंड सी के पैटर्न से। कैसे? कैसे कॉर्ड्स वाइज हमारा कैसे चलेगा? ओ रब्बा जानदा, पहला रब्बा जानदा हमारा सी पे, ओ रब्बा जानदा एफ मेजर, तेनु कितनी कितनी पे ए माइनर, कितनी मोहब्बता मोहब्बता पे, ह वाले पार्ट पे हमारा बी एफ मेजर पे शिफ्ट हो जाएगा, कितनी मोहब्बता दिल करदा करदा पे सी मेजर। सो हमारा पूरा कैसे चला, सी एफ ए माइनर एफ एंड सी, के रब्बा जानदा रब्बा जानदा सी एफ, तेनु कितनी मोहब्बता दिल करदा रिपीट, के रब्बा जानदा रब्बा जानदा तेनु कितनी मोहब्बता दिल करदा। सो गाइस, इस वाले पार्ट पर हमारा आ जाएगा जी ए माइनर। कैसे? हो तेरे बाजू ची नहीं, तो तेरे बाजू ची नहीं लगता, तो जी एंड ए माइनर, तेरे बाजू ची नहीं लगता रोग लगा इश्क दा, रोग लगा इश्क दा पे हमारा सी मेजर, रोग लगा इश्क दा हर दुआ में एफ मेजर, हर दुआ में तेनु वापस ए माइनर, के रब्बा जानदा। अब यार इसमें ना थोड़ा सा स्ट्रमिंग का खेल कर सकते हो, कैसे वो करके दिखाता हूँ। हो तेरे बाजू ची नहीं लगता रोक लगा इश्क दा हर दुआ में तेनू मंगदा।
रब्बा जानदा रब्बा जानदा तेनु कितनी मोहब्बत आद करदा। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिर्फ ये टैप दो फिंगर्स टैप दो फिंगर्स, ये हमारा क्योंकि गाने के अंदर भी सेम इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा तुम बिल्डअप कर सकते हो कि जैसे स्टार्टिंग में एकदम मतलब स्केल बहुत ऊंचा है इसलिए मैं हल्का सा लोग आ रहा था स्टार्टिंग में तुमने सॉफ्ट गाया, देन यहाँ पे जब तुम्हें स्ट्रमिंग चेंज करनी हो वही सी एफ ए माइनर एफ सी तेनु कितनी मोहब्बत आद करदा। ये हमारा म्यूजिक पार्ट आता है, तो ये सी ए माइनर सी एफ। अब इसके बाद हमारा आ जाता है स्टैंजा पार्ट, तो उस पर नजर डाल लेते हैं। सो गाइस कमिंग टू दिस स्टैंजा पार्ट, स्टैंजा में हमारा एक छोटा सा पैटर्न लगेगा विच इज सी देन एफ देन डी माइनर जी एंड सी। यूज कैसे करना है वो देखते हैं लिरिक्स के साथ। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखिए मेरी इन आंखों में। मैं यहाँ पे मतलब बहुत सॉफ्ट प्ले करके दिखा रहा हूँ, तुम उसी स्ट्रमिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। सो हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, सी देन एफ देन डी माइनर देन जी देन सी। कैसे, इश्क ये कैसे होता है, सी मेजर, रंग ये कैसे खिलते हैं, रंग ये कैसे खिलते हैं, ठीक है। तो रंग ये एफ मेजर, कैसे खिलते हैं पे डी माइनर, देखूं ये तेरी इन आंखों, जी मेजर, मे पर हमारा लास्ट पार्ट पे लास्ट वर्ड पे सी मेजर। तो कैसे पूरा, इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देख ये तेरी इन आंखों में। रिपीट, चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखूं ये तेरी इन आंखों में। सो गाइस जैसे हमने स्टार्टिंग में अपना पैटर्न करा था ना, जी ए माइनर और फिर सी देन ए माइनर एंड एफ, तो उसी पैटर्न को हमें फिर से करना है। ना जाने कब दिन ढलता, कुछ भी पता नहीं चलता, हर दुआ में तेनु मंगदा के रब्बा जानदा रब्बा जानदा तेनु कितनी मोहब्बत आद करदा के रब्बा जानदा रब्बा जानदा तेनु कितनी मोहब्बत आद करदा। वही हमारा आ गया यार, सी एफ ए माइनर एफ एंड सी। अब इसके बाद हम ना हमारा एक छोटा सा इसका ब्रिज पार्ट मान लो वर्स पार्ट लास्ट का पार्ट होता है देख दुनिया, तो उसमें हमें सी एफ ए माइनर के साथ ही खेलना है, थोड़ा अच्छे तरीके से खेलना है, एंड दिस इज दी सॉन्ग्स बेस्ट पार्ट। बाकी का गाना हमारा पूरा खत्म हो गया, तो उस पर नजर डाल लेते हैं। सो गाइज ये वाला पैटर्न हमारा चलेगा सी ए माइनर एफ सी, जो कि एक बहुत कॉमन पैटर्न है। कैसे, बहुत ज्यादा है ये। सो हमारा ये कैसे चला, देख दुनिया मेरी, मेरी पर ए माइनर, उससे पहले सी मेजर, अखियां से एफ एंड सी, मैं रखा ला पहनूं पलकों पे एक उम्र का सौदा, एक उम्र का सौदा ए माइनर, ना F करिए सी मेजर, वादे कर तू सातों सी ए माइनर, जन एफ मेजर मौके वापस के रब्बा जानदा रब्बा जानदा तेनु कितनी मोहब्बत आद करदा। तो ये
हमारा पूरा गाना होता है यार। हमारा मतलब लास्ट का पैटर्न वही सी माइनर एफ सी की रिपीटेड चार लाइंस हैं और कुछ नहीं, और उससे पहले का गाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द गिटार लेसन। बहुत ही सिंपल सॉर्टेड एंड स्मूथ सा गाना है। हमें बस थोड़ा सा इसके अंदर सी ए माइनर सी एफ सी जी सी ए इनके साथ हमें थोड़ा सा खेलना है आगे पीछे करके, और बाकी हमारे गाने में कुछ नहीं है। क्योंकि अब इसमें देखो एक छोटी सी चीज़, जैसे सी और ए माइनर के अंदर ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, तो अगर कभी आप थोड़ा सा फंबल अप कर जाओ तो अपने गाने को खराब मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हो रहा है कि सी और ए माइनर के बाद एफ का पार्ट आ रहा है। सो अगर आप कहीं पे सी मेजर को लंबा प्ले कर दो तो उसके बाद सीधा एफ को प्ले कर सकते हो और आपके गाने में डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो सामने वाले को विजिबल होए, ठीक है। तो ये चीज़ छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप खेल सकते हो, और ज़्यादातर मैं गाने के एंड में बताता हूँ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जो है इस गाने को सीखना, और नए गाना कोई अच्छा सा आता है तो उसका भी गिटार लेसन बनाएंगे। एंड सो सॉरी फॉर द डिले जो कि इस गिटार लेसन पे हुआ। आई नो द वन हु वॉज आस्किंग मी फॉर दिस सॉन्ग, उसने मेरे को कितनी सारी वीडियोज़ पे कमेंट करा, उसने बहुत बार मेरे को इंस्टा पे, बहुत बार मेरे को व्हाट्सएप पे ड्रॉप करे मैसेजेस। सो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी यार कि इतना डिले हुआ आपका ये रिक्वेस्ट। बाकी ये गाना अच्छा था और मैं हमेशा से इसको चाह रहा था गिटार पे कवर करना, बट बिजी था थोड़ा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द गिटार लेसन। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उन अमेजॉन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ कर लेना, और नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स पूरी वीडियो में चली रहते हैं, सो उनको भी प्लीज़ जाकर टैग कर दिया करो अगर तुम कोई गिटार कवर ऐसा डाल रहे होते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिपोस्ट इट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा बाय बाय।